worthy of it. I shall give respect to my parents, teachers, classmates, and all elders, and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. India well-being and prosperity alone lies my happiness. Jai Hind. प्रारब्ध तेन खलु विघ्न हरिनिचैः प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमन्ति मध्यः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिवन्यमानः प्रारब्ध उत्तमजना न परित्यजन्ति। अर्थात संसार में तीन तरह के मनुष्य होते हैं। पहले वो जो विघ्न के भय से काम को आरंभ ही नहीं करते, दूसरे वो जो कार्य को आरंभ कर देते हैं किंतु विघ्न आते ही उसे बीच में ही छोड़ देते हैं, परंतु तीसरे वो मनुष्य होते हैं जो जिस काम को आरंभ कर देते हैं और बार बार विघ्न आने पर भी उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं, वही सबसे उत्तम मनुष्य कहलाते हैं। धन्यवाद। शुभ दिन। सर्वेषां। आज का शब्द सहिष्णुता। अर्थ सहनशीलता, धैर्यशीलता। सहिष्णु एक स्त्रीलिंग शब्द है। वाक्य प्रयोग प्रत्येक मनुष्य के आचरण में सहिष्णुता एक आवश्यक गुण है। धन्यवाद एवं शुभ दिवस। में आप सबका स्वागत है। मैं स्पर्श अरोड़ा और मैं योगिता देश और दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं। सबसे पहले देश की बात। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना और भारतीय तट रक्षक बल के लिए उन्नत नेविगेशन प्रणाली प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। एनसीईआरटी की एक स्वतंत्र इकाई समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण परख ने सुझाव दिया है कि कक्षा 9, 10 और 11 में परीक्षाओं और चल रहे कक्षा कार्य में एक छात्र के प्रदर्शन को कक्षा 12 के अंत में उनके अंतिम अंकों में शामिल किया जाना चाहिए। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। द्विपक्षीय विवाद के बीच वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो विजेता घोषित। पेरिस ओलंपिक से पहले दक्षिणी फ्रांस में दूरसंचार बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। बांग्लादेश की राजनीतिक अशांति से अर्थव्यवस्था पर $10 अरब का असर हो सकता है। अब एक नजर क्षेत्रीय समाचारों पर। भूटान में आयोजित 8वीं साउथ एशिया कराटे चैंपियनशिप में हल्द्वानी के रहने वाले चेतन भट्ट ने रजत पदक जीता। केंद्रीय विद्यालय हल्द्वानी का इस सत्र का 2 दिन का वार्षिक पैनल निरीक्षण आज से प्रारंभ होगा। निरीक्षण के लिए विद्यालय का समस्त स्टाफ व विद्यार्थी पूर्ण रूप से तैयार दिखे। अब कुछ खेल समाचार। भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में जीत हासिल की। राहुल द्रविड़ ने अमेरिका में T20 विश्व कप की मेजबानी करने के ICC के फैसले का समर्थन किया। अब कुछ मौसम की जानकारी। आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस होने की संभावना है। धन्यवाद एवं शुभ। नई शिक्षा नीति पर एक विशेष कार्यक्रम लेकर प्रस्तुत हुए हैं जो कुछ इस प्रकार है। सुनोरे बहना सुनोरे भाई, सुनोरे बहना सुनोरे भाई, भारत में नई शिक्षा नीति है आई, भारत में नई शिक्षा नीति है आई। अरे अरे क्या है नई शिक्षा नीति, हमें भी बताओ, हमें भी बताओ। कदम से कदम मिलाना है, सबको साक्षर बनाना है, सपना साकार कर दिखाना है, देश को भी तो आगे बढ़ाना है। सुनोरे बहना सुनोरे भाई, सुनोरे बहना सुनोरे भाई, भारत ने नई शिक्षा नीति है आई, भारत ने नई शिक्षा नीति है। बच्चों के विकास के लिए 5 साल तक मातृभाषा स्थानीय भाषा में पढ़ने का सुझाव लेकर आए। देखो भारत में नई शिक्षा नीति है आज। रक्त जल्दी उठे न।
कितनी भी बाधाएं हम सबको दूर हटाए, सब
पश्यन्तु मा कश्चित् बुग्नभाग् भवेत् ॐ शान्तिः।